अगर मर भी रहे हो तो भी यू आर नॉट सपोज टू क्विट। जी हाँ, हार मानने वाले की हमेशा पहले ही हार हो चुकी होती है और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, तो हम सब जानते हैं। वेल, यही सीख सलमान खान देते हुए नजर आए श्रीसंत को। जी हाँ, इस बार बिग बॉस के जो वीकेंड का वार है, जो आज रात को होने वाला है, उस एपिसोड में सलमान फुल ऑन डांटते नजर आए श्रीसंत को, और वो एंटी श्रीसंत मोड में ही नजर आए। बिकॉज ऑफकोर्स हफ्ते भर में अगर आप देखें, श्रीसंत ने काफी ऐसी हरकतें की है, उनको सीक्रेट रूम भेजा गया था, उसके बावजूद उस बंदे ने कुछ सीखा नहीं, हर बात पे गिव अप, हर टास्क में गिव अप। तो इन्हीं चीजों को लेकर सलमान खूब डांट फटकार लगाते हुए नजर आए श्रीसंत को, साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आए कि जिस तरह श्रीसंत का बिहेवियर है, ऑडियंस जब उन्हें बाहर देख रही है तो ऑडियंस को डेफिनेटली ये लग रहा है कि यार ये इंसान था, सीरियसली ये इंसान इंडिया के लिए खेल रहा था, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था एक टाइम पे, जो हर बात पे गिव अप कर रहा है, हर सिचुएशन में गिव अप कर रहा है, कोई टास्क ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्विट कर रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको हर एक हफ्ते में एक बार अटेंशन चाहिए क्विट करने का। तो ये सारी चीजों को लेकर सलमान काफी भड़कते हुए नजर आए श्रीसंत पर, और साथ ही साथ ये भी कहते नजर आए कि कोई भी घर में कुछ भी कर रहा हो, बिग बॉस का घर ही ऐसा है कि आपको अपना पेशेंस लेवल बढ़ाना है, आपको वो चीजें हैंडल करनी है मैच्योरली। लेकिन जिस तरह आप ये छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं, स्पिट करना और पानी फेंक देना, साथ ही साथ गाली गलौच करना, तो आपको कहीं ना कहीं चीजें शोभा नहीं दे रही। आप इसी सिचुएशन को, इसी चीज को दूसरी तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इन सबके बावजूद, इनफैक्ट उनकी वाइफ तक ने उन्हें ये समझाया कि आप क्विट मत कीजिए, आप ये मत कीजिए, उसके बावजूद भी श्रीसंत को शायद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे लगता है आज जब सलमान उन्हें फटकार लगाएंगे तो शायद उनको अकल ठिकाने आएगी, और हो सकता है उसके बाद वो अपनी गेम की स्ट्रैटेजी चेंज कर दे। लेकिन हाँ, सलमान काफी हद तक बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए नजर आए। सो दोस्तों, आपको आज के एपिसोड का कितनी बेसब्री से इंतजार है और आपका इस पर क्या कहना है, प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।